और अब बात हिंदू वोट बैंक की चुनावी दही हांडी की, क्योंकि सीएम योगी कृष्ण के नगर से पूरे चुनाव का एजेंडा सेट कर चुके हैं। ये वो दाव है जिसके आगे विपक्ष पिछले कई चुनाव में बेदम रहा है और अब इसे आजमा कर सीएम योगी फिर से यूपी में कमल खिलाना चाहते हैं। सीएम योगी ने चला यूपी का सबसे बड़ा दांव। यहाँ पर सब की तमन्ना है कि सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। हिंदुत्व का एजेंडा सेट, विपक्ष कैसे करेगा कमबैक? पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। जहाँ तमाम राजनीतिक दल यात्राओं और सम्मेलन के जरिए अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं, वही सीएम योगी ने यूपी चुनाव से पहले सबसे बड़ा दांव चल दिया है। सीएम योगी ने मथुरा में मांस और शराब पर बैन लगा दिया है। अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। शासन से कहूंगा इसकी योजना रचना बना कर। जानकार सीएम योगी के इस ऐलान को चुनाव से पहले सबसे बड़ा दांव मान रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआत मथुरा से हुई वो प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थलों के जरिए एक बड़ा संदेश देगी, क्योंकि हिंदुत्व में एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो मांस और शराब को सही नहीं मानता और धार्मिक स्थल के पास तो बिल्कुल भी नहीं। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की है मथुरा में कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे मांस और मदिरा प्रतिबंध होगा, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। यह ऐसा हो जाता है और होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो भी कहते हैं वो करते हैं, तो यह स्वागत योग्य है। मथुरा में सीएम योगी पूरे रंग में थे। उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों पर बिजली और पानी की बात कर चुनाव से पहले बीता जमाना याद दिलाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। पर्व त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी, पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद अब ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगों का कार्यक्रम नहीं करेंगे, अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। दरअसल प्रदेश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो मानती है कि पहले की सरकारों में हिंदुओं के त्योहारों पर पानी और बिजली उतनी नहीं आती थी जितनी योगी राज में आ रही। सीएम योगी ने हिंदुत्व का कार्ड तो चला, साथ ही साथ ये कहते हुए विपक्ष को भी लपेट लिया कि जो पहले राम का नाम लेने से कतराते थे वो राम और कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हमके सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है कांडड़ाई दे रहा है, जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। मतलब साफ है, चुनाव नजदीक आते ही भाजपा अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर काम करने लगी है। उसे मालूम है कि विपक्ष की यात्राओं और सम्मेलन से कैसे मुकाबला करना है। अब सवाल इस बात का है कि जो दांव मथुरा से सीएम योगी ने चला, विपक्ष उसकी क्या काट खोजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।